शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम पति परमेश्वराय नमः। 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 लो आ गया तुम्हारा पति। बोलो क्या वरदान चाहिए तुम्हें बालिके? ये क्या कर दिया आपने? मेरी साधना भंग कर दी। शशि, रात का वक्त ना पति पत्नी के प्यार करने का होता है, ये पूजा साधना है। देखिए, अच्छे काम के लिए समय नहीं देखा जाता, जब भी अवसर मिले कर लेना चाहिए। अरे तो वही तो कर रहा हूँ, अपना ही तो घर है। हाँ, तुम और मैं अकेले, इससे अच्छा कोइंसिडेंस और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा हमको, बताओ। लेकिन आप थोड़ी देर इंतजार भी तो कर सकते हैं ना यार। एक साल हो गया हमारी शादी को, इंतजार कर करके ना थक चुका हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आता तुम कब बदलोगी। जैसे तुम करती हो ना वैसे और कोई नहीं करता है। गाँव में नहीं हो अब तुम, शहर में आ गई हो। देखिए, इतना तो बदल लिया है मैंने अपने आप को। अरे क्या बदला है तुमने? रोज रात को ये साड़ी पहन के या बैठ के मेडिटेशन करने लग जाती हो यार। ये कितनी सारी मॉडर्न ड्रेसेस लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, कभी पहनी है? आप समझने की कोशिश कीजिए ना, ये कपड़े देखिए, इसकी बाँह छोटी है तो इसका गला बड़ा है। मुझे ऐसे कपड़े पहनने में शर्म आती है। शर्म तो ना मुझे आती है यार। तुम ना प्लीज अपने ये संस्कार अपने पास रखो। मैं जा रहा हूँ हॉल में सोने। सुनिए, अच्छा शशि चलता हूँ। अरे रुकिए, आरती। बस करो। अब प्रसन्न हो जाइए और काम पर जाइए। काम पर जाते वक्त मुंह झूठा नहीं करते, आपको देर हो रही है ना, जाइए। अरे रुकिए, मैंने कितनी बार कहा है ना, घर से निकलते वक्त दाहिना पैर पहले रखना चाहिए। रखिए। द्वार देवता, जिस तरीके से मेरे पति प्रसन्न होकर गए हैं, उसी तरीके से उन्हें सही सलामत घर पर वापस भेजिएगा। शशि, दीदी कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। अरे खुश रहो। क्यों करती हो ये सब? कुछ नहीं होता इन सब से। किसी को देखा है यहाँ करते हुए? दीदी, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानती हूँ। आइए, मैं आपको एक बढ़िया सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जब तक तुम अपने काम निपटा लो, ठीक है? ठीक है दीदी। बहुत अच्छी हो। तो कैसी है? और मैं ठीक हूँ। कितना टाइम हो गया ना हमें, पूरे 7 साल। लेकिन मैं तो उससे बहुत नाराज हूँ, मेरी शादी में क्यों नहीं आई? यार एग्जाम्स चल रहे थे ना। अच्छा ठीक है, चल अंदर चल। हाँ
और बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है आफ्टर शादी? भगवान जी की कृपा से सब कुछ अच्छा। और तेरे मिस्टर? वो तो देवता है देवता। भोलेनाथ जी जैसे पति मांगे थे, लेकिन वो तो उनसे भी ज्यादा भोले हैं। लेकिन शशि, तू बिल्कुल नहीं बदली। गांव से शहर आ गई, पर तेरी लैंग्वेज, तेरी क्लोथिंग बिल्कुल वैसा है बाबा आदम के जमाने वाला। अरे शशि, दीक्षा दीदी, ये कौन है? ये निधि है, मेरी बचपन की दोस्त, अभी जबलपुर से आई है। हो। और निधि, ये दीक्षा दीदी है, हमारे पड़ोस में रहती है। हाय। नमस्ते। नमस्ते। मतलब अपने दोस्त से मिलने आई हैं आप? एक्चुअली मुझे एक रिसर्च वर्क के लिए कानपुर ही आना था, तो मम्मी ने कहा कि अपनी फ्रेंड शशि के यहाँ रुक जाना, काम भी हो जाएगा और शशि से मिलना भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब हफ्ते दो हफ्ते तो फिर यही रहेंगे आप? हाँ, पूरे 3 महीने का रिसर्च वर्क है। शशि, तेरे मिस्टर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं निधि, इतना बड़ा घर है, भला उन्हें क्या समस्या होगी? आप दोनों बात कीजिए, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। हाँ, कमरा उधर। ओके, बाय। काफी मॉडर्न है तेरी सहेली, पक्का तुझे इसके यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं है? मतलब इतना बड़ा घर है, यहाँ तू और तेरे हस्बैंड अकेले रहते हैं, कहीं कोई गड़बड़ शड़बड़ हो गई तो? दीदी, जरूरी तो नहीं हर किसी के बारे में गलत ही सोचा जाए। ये भी जरूरी नहीं ना कि हर किसी के बारे में अच्छा ही सोचा जाए। बाकी तेरी मर्जी, मैं चलती हूँ। हाँ, निधि ऐसे क्या देख रही हो? ये दोपहर में आरती करने का फंडा क्या है? तो बात ऐसी है, मेरे पतिदेव काम के सिलसिले में देर तक घर से बाहर रहते, इसलिए उनकी सलामती के लिए मैं दिन में 3 बार उनकी आरती करती हूँ। अच्छा चल, अब कुछ खा पी ले। हाँ। राम मिलाए जोड़ी, एक शहरी बाबू तो एक गांव की गोरी। आखिरकार मॉडर्न ड्रेस पहन ली, लगता है सुधर रही है। आज तो कमाल लग रही है डार्लिंग। एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए? I'm extremely sorry. मुझे लगा मेरी वाइफ शशि है। It's okay. इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। शशि, आ गए आप? अरे वाह, मेरे परिचय कराने से पहले ही आप दोनों ने एक दूसरे के साथ परिचय कर लिया। अच्छा हुआ। इन्हें दे दीजिए मेरा परिचय, मैंने तो इनकी फोटो से ही कर लिया। राजेश जी, ये मेरी बचपन की दोस्त है निधि। इसका कल फोन आया था, वो कुछ अनुसंधान करने के लिए 3-4 महीनों के लिए इसे हमारे शहर आना था। माफ कीजिए राजेश जी, मैं आपको बताना भूल गई। कोई नहीं, जी नमस्ते। हाय। अच्छा है, इसी बहाने अब दोनों दोस्तों को साथ में कुछ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा।
आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। कम लेट्स सिट। शशि प्लीज, अपनी दोस्त के सामने तो मत करो। क्या लगेगा उसको, ऐसे सेवा कराता हूँ मैं तुमसे। जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विदा होते समय माँ ने कहा था, पति की खुशी के लिए अगर प्राण भी नौछावर करना पड़े तो खुशी खुशी कर देना। अब आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी शशि की इन हरकतों की। क्या ही बोलूं, जब शादी माँ बाप की मर्जी से कराई है तो आदत भी डालनी पड़ेगी। जरा जल्दी कर दी आपने। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। अरे शशि तुम भी आओ ना, साथ में खाते हैं। नहीं नहीं आप दोनों खाइए, मुझे थोड़ी सी रोटी और बनानी है। शशि मेज़द कभी नहीं खाती। क्यों? पहले पति परमेश्वर को भोग लगाती है, फिर खुद जाके प्रसाद ग्रहण करती। शशि भी ना हद है। हद नहीं बेहद है। अब कुछ कुछ लग गया था। कुछ भी नहीं है। पूछ दिया ना मैंने, हट गया। क्या कर रहे हैं आप? आज मेरा एकादशी का उपवास है, ये सब करने से पाप लगेगा। ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता, आफ्टर ऑल हम पति पत्नी है ना। देखिए ये सब मैं हमारे लिए ही कर रही हूँ। तुम्हें जो करना करो, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ, नाराज हो गए? आज एकादशी है ना, नाराज क्यों होऊंगा, पाप लग जाएगा। हेलो, कहाँ खो जाते हैं आप? अब सोई नहीं? अब नींद ही नहीं आ रही थी। आप बताइए इस वक्त आप यहाँ? मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, शशि सो रही थी तो मुझे लगा वो डिस्टर्ब होगी इसलिए बाहर आ गया। हाउ स्वीट, इतना ध्यान रखते हैं आप शशि का। पर मुझे ऐसा लगता है कि शशि अब तक आपको समझ ही नहीं पाई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है राजेश जी, मैं लोगों के मन की बात जान लेते हैं। अच्छा, मेरे बारे में कुछ बताइए। श्योर। आपकी लाइफ में कोई है जो आपको बहुत लाइक करता है? मुझे भला कोई क्यों पसंद करेगा। आप है ही इतने अच्छे, सबका इतना ख्याल रखते हैं। शायद मुझे ही नहीं पता होगा मुझे कोई पसंद करता होगा। होगी, होगा नहीं।
एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम एन से शुरू होता है। कि आप क्यों, मैं आपको पसंद नहीं? नहीं हाँ शशि मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए, आरती तो कर लो। शशि प्लीज यार, आज आरती नहीं करनी, देर हो रही है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और ये क्या, मैंने बेड पर हरे रंग की शर्ट रखी थी और आपने ये पहन ली? मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अब जो मिला मैंने पहन लिया, वापस जाके चेंज नहीं करने वाला मैं, देर हो रही है, जाने दो। अच्छा बस एक मिनट, गुस्सा मत कीजिए, अब चाहिए। राजेश जी मुझे घंटा घर तक छोड़ देंगे, जरा लेट हो रही थी। आइए। थैंक यू। हे द्वार देवता, जैसे दोनों मुस्कुराते हुए घर के बाहर गए हैं, वैसे ही मुस्कुराते हुए घर के अंदर भी आए। शशि दीदी देखा शुरू हो गया, अब भी संभल जा। दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति देव को भी अच्छे से जानती हूँ और अपनी सहेली को भी। बहुत पछताएगी देखना, अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो तेरे पति का बर्ताव तेरे लिए बदल जाएगा, समझी? राजेश आई होप कि तुमको मेरा साथ अच्छा लगने लगा है। जब से तुम आई हो ना जिंदगी रंगीन हो गई है, नहीं तो तुम्हारी उस दोस्त ने ना मुझे सन्यासी बना के छोड़ दिया था। चलिए आपकी पत्नी इंतजार कर रही होगी। गए आप दोनों, आइए मैं आपके पैर धुलाती हूँ। नहीं धोने पैर, आप से ये सब बंद। शशि समझने की कोशिश करो, कभी कभी इंसान
अपसेट भी हो सकता है ना। टेक केयर। क्या हो गया है आजकल इनको, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। भगवान जी, आखिर ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे। चलो निधि चले। अरे हाँ। एक मिनट आरती, जल्दी करो देर हो रही है। हाँ अच्छी। क्या वो रुक क्यों गई? वो 2 मिनट रुकना पड़ेगा छींक की वजह से। क्या तुम और तुम्हारा ये अंधविश्वास, मुझे देर हो रही है मैं जा रहा हूं। चलो। कि आप नाराज मत होइए, आज जल्दी घर आ जाना। अब क्या हुआ? वो आज करवा चौथ है ना, तो मैंने आपके लिए व्रत रखा है। ठीक है चलो। सुनो, मैंने भी आज तुम्हारे लिए व्रत रखा है। क्या? एक बीवी कम है क्या? उसके ड्रामे देखे तुमने? ऊपर से तुम भी ये व्रत शुरू हो गई हो। मुझे भी ये व्रत वगैरह पसंद नहीं है, पर ये करवा चौथ है बाबा, और ये मैंने तुम्हारे लिए रखा। Cause I love you. You know I love you too, right? But तुम्हें हमारी कंडीशन का पता है ना? एक घर में रह के वैसे भी ये सब करना रिस्की है, ऊपर से ये व्रत। राजेश मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है और ये मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाकर ही खोलूंगी। अब तुम देख लो कि तुम्हें ये अपनी पागल बीवी से कैसे डील करना है। अरे अच्छा रिलैक्स बाबा, चले अब। यस। देखिए चांद कैसे मुस्कुरा रहा है, वैसे ही थोड़ा आप भी मुस्कुरा दीजिए। ये हुई ना बात। से कम आज के दिन तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो। अरे रुकिए, आप हमें पानी नहीं पिलाएंगे? ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। जी शशि, इतनी आसानी से मैं ये सारी चीजें अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती, कुछ तो करना पड़ेगा। कितनी देर लगा दी राजेश तुमने, प्यास से गला सूखा जा रहा है मेरा। क्या करूं यार, वो आने ही नहीं दे रही थी। चलो जल्दी से रसम करते हैं। या
बड़ा गिफ्ट देता हूँ तुम्हें गिफ्ट। चले गए सोई नहीं, बस कुछ काम कर रही थी तो नींद नहीं आई। पर तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक है? वो ना तुम्हारे जीजाजी नहीं मिल रहे, बस मैं उन्हें ही ढूंढ रही थी। टेरेस पे देखा, शायद वहाँ हो सकते हैं ना। हाँ मैं देख कर आती हूँ। ऑलराइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अरे आप कहाँ चले गए थे? पानी पीने गया था। अब पानी भी तुमसे पूछ के पीना पड़ेगा। नहीं मेरा मतलब वो बस, बस। अब रात को दिमाग खराब मत करो मेरा। राजेश इसे हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? तो और क्या कर सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है? रास्ता बना सकते हैं। पागल हो गई होगी? शशि के होते क्या रास्ता बनाएंगे? क्यों ना हम उसे अपनी जिंदगी से ही दूर कर दें। बहुत दूर। ये सब करना इतना आसान नहीं होता। देखो राजेश, मैं लास्ट टाइम बोल रही, ये तुम्हें चल सकता है लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती। ओके, मैं नहीं बांट सकती तुम्हें किसी और के साथ। बाबा मुझे भी ना ये सब पसंद नहीं है, लेकिन जो तुम बोल रही हो मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं होता। आसान बना दे। क्यों ना हम शशि के अंधविश्वास को ही हथियार बना के सारा मामला निपटा दे। आई हैव अ ग्रेट प्लान। एक ऐसा आइडिया जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
पूजा पाठ इतने जप करने के बाद भी आजकल आप हमसे प्रसन्न नहीं रहते। अगर हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें बता दीजिए, हम अपनी गलती सुधार लेंगे। लेकिन आप हमसे ऐसे नाराज मत रहिए। जय महाकाल, जय भैरवनाथ। कौन है बाबा आप? त्रिकालदर्शी, कष्ट निवारक, वशीकरण विद्या में प्रांगत विशंबर नाथ है हम। क्या चाहिए बाबा आपको? अरे मूर्ख स्त्री, हम कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आए। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि तू कष्टों से घिरी हुई है और तेरे कष्टों का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं तेरा पति है। हम अपने योग और प्रयोग से तेरे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। तो कर दीजिए ना बाबा, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। उसके लिए तुझे पूर्ण विश्वास के साथ, लगन के साथ हमारी साधना में हमारा साथ देना होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, बस आप बता दीजिए। घर की समस्या है, इसका निवारण भी घर के अंदर ही होगा। लेकिन बाबा घर पर तो कोई नहीं है। तुम्हें कष्टों से निवारण चाहिए या जिंदगी भर पति सुख के लिए तरसते रहना है? नहीं नहीं बाबा, मुझे कष्टों से मुक्ति चाहिए। आप जो कहेंगे मैं वैसा करूंगी। शशि कौन है? दीदी ये बहुत बड़े तांत्रिक बाबा हैं। तू भी पता नहीं क्या क्या मांगती रहती है। बाबा जाओ, हमें कोई मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए। हम तो चले जाएंगे लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे पति के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। नहीं नहीं बाबा। दीदी आप जाइए यहाँ से, ये मेरे घर का मामला है, मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बाबा आप भीतर आइए। ये पुष्प लो, अब ध्यान लगाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो अपने कष्टों के निवारण के लिए। अब आंखें खोलो और अपने ऊपर पुष्प अर्जित करो। जल ग्रहण करो। इसे ग्रहण करने के पश्चात तुम्हें एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। अब आंखें बंद करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। ॐ भूर्भुवः आखिर वो घड़ी आई गई। फाइनली। अब तक तो वो बाबा अपना काम कर चुका होगा, शशि को इस दुनिया से आजाद कर दिया होगा। दुनिया से भी और हमसे भी। Exactly.
शशि, क्या वो ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जी। निधि तुम शशि का ध्यान रखो, मैं इसके लिए दवा लेकर आता हूँ। क्या हुआ शशि, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया था तुमने? कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा मतलब? निधि, आज घर पर बहुत बड़े सन्यासी बाबा आए थे, उन्होंने कुछ उपचार किया, फिर उसके बाद सब भूल गया, लेकिन उस उपचार का असर दिख रहा है। सन्यासी बाबा आए थे, चार असर दिख रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया मुझे। पति देव के व्यवहार में परिवर्तन दिख रहा है, तुमने देखा ना निधि, वो मेरी तबीयत को लेकर कितने चिंतित थे। हे भगवान जी, मैं तो धन्य हो गई, और उन सन्यासी बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम्। बोलिए शर्मा जी। जब तेरे को पैसे पूरे दिए तो काम पूरा करना चाहिए था ना। शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, आज तो हमारे प्रयोग का पहला चरण था, आपका काम हो जाएगा। आपके और आपकी प्रियासी निधि की सुरक्षा के लिए, ताकि किसी को संदेह ना हो, आज हमने आपकी पत्नी के मन में हमारे लिए अपार विश्वास जागृत किया है, ताकि वो कल हमारी बात माने। अब तुम भी अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो। हमें भी तो तुम्हारी पत्नी का सुख भोगना था, ऐसे कैसे इतनी जल्दी मार देते? तेरे पति में कोई परिवर्तन आया या नहीं? आया है बाबा। आज मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ये पुष्प लो, आंखें बंद करो और ईश्वर का ध्यान लगाओ। हेलो जी, वो आज भी आया है और दोनों अंदर है, आप प्लीज थोड़ा जल्दी आइए जी। आंखें खोलो, पुष्प अपने ऊपर अर्जित करो, अब ये जल ग्रहण करो। ईश्वर की आराधना में लीन हो जाओ। भाग रहा था? हाँ? मैं कहीं भाग नहीं रहा था, मेरी तो तंत्र साधना चल रही है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कौन सी साधना है? हाँ? बेमौत मारने की? क्या है तुझे? इंस्पेक्टर साहब, ये बाबा ने कहा था
की साधना करने से मुझे मेरे पति का प्यार वापस मिल जाएगा, लेकिन ये बाबा बाबा मुझे रस्सी से लटका कर भाग रहे थे। नहीं 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 साहब, साहब इन दोनों ने मुझे इसे मारने के पैसे दिए थे। क्या क्या बकवास कर रहा है साहब, हम जानते भी नहीं कौन है। साहब ये झूठ बोल रहा है, ये दोनों मेरे पास आए थे, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसीलिए ये शशि को रास्ते से हटाना चाहते थे। What nonsense? क्या बक रहे हो तुम? खुद को सही साबित करने के लिए हमको फंसा रहे हो ना? शशि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर। साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास सबूत है इनके झूठ का। क्या क्या सबूत है तेरे पास? पैसे पूरे दिए तो काम पूरा करना चाहिए था ना। शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए, आज तो हमारे प्रयोग का पहला चरण था, आपका काम हो जाएगा। राजेश जी आप, मैं तुम्हें देवता मानकर तुम्हें पूछती रही, लेकिन तुम राक्षस निकले, मुझे तो शर्म आती है तुम जैसे राक्षस को अपना पति कहते हुए। और तुम जो पति मेरा ना हो सका, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा हो जाएगा? इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन दोनों को। ले चलो इन तीनों को। शशि।